आज अपने डिस्कशन करेंगे थर्मल ओवरलोड रिले। ये रिले कैसे काम करता है, क्या क्या सेटिंग आता है, मैं आज आपको ये सब वीडियो में बताऊंगा। अभी पहले आपने को इसको अलग करके मैं पहले आपको अलग कर देता हूं, बाद में आपको बताऊंगा। अभी देखिए मैं रिले और कॉन्टैक्टर को मैं अलग कर दिया। अभी मैं ये रिले बारे में आपको बताता हूँ। ये है थर्मल ओवरलोड रिले है। ये अपने को जब ओवरलोड होता है ये अपने को प्रोटेक्शन देता है। चलिए एक दो तीन, ये जो इधर तीन है उसमें आर वाई बी सप्लाई देना है। उसके बाद देखिए ये रेड वाला जो सिंबल दिया हुआ है ये इसमें एम्पियर इधर सेट करते हैं आपने। ये जो व्हाइट वाला है देखिए, ये व्हाइट वाला को आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड करके आपने एम्पियर को सेट करता है। सपोज दो पे सेट करना है, चार पे सेट करना है, आपने इधर सेट कर। अभी आपने को ये देखिए ये स्टार्ट बटन है ये वाला, ये जो व्हाइट है ये स्टार्ट के लिए, ये स्टॉप के लिए, ये स्टार्ट ये स्टॉप के लिए। अभी ये P1 P2 P3 P4, ये जो P3 और P4 ये है NO है, और P1 और P2 ये है NC है। ये जो रिले है अपने 440 जो वोल्टेज में जो कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग होता है ये अपने इसमें ही यूज करते हैं। ये रिले ओल्ड मॉडल है, इसमें ऑटो और मैनुअल सिस्टम नहीं है। अब कोई भी साइड में देखो उसमें ऑटो मैनुअल स्विच नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। सपोज ये रिले ट्रिम मारा लेकिन उसके बाद स्टार्टर के पास आके आपने को रिसेट करना पड़ेगा। रिसेट करने का मतलब उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये रिले चालू होगा, सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटिंग हो। लेकिन इधर देखिए एक दो तीन चार, इधर आर वाई बी लगाना है। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये सिर्फ होल्डिंग का है, ये NO पॉइंट का है। ये वाला पार्ट NO है, और आर वाई बी इनपुट सप्लाई है, ये आउटपुट सप्लाई है रिले का, और ये NC है, ये NO है, ये दो NO है, P1 P2 P3 P4 ये इधर रिले आपने सेट करते। ये रिले बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिया, अभी उसका कनेक्शन बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए येलो वाला केबल उठाया फेज एक, उठने के बाद P4 में आया, P3 में आउटपुट हो गए, दो लिंक इधर मारना है, एक P2 में जाएगा और दूसरा उठा के कॉन्ट्रैक्टर का होल्डिंग पॉइंट में आएगा। देखिए ये वाला जो है उसमें होल्डिंग पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टर का, उसमें आएगा। उसके बाद P1 का आउटपुट निकाल के कॉन्ट्रैक्टर का A1 में आएगा, और कॉन्ट्रैक्टर A2 में एक केबल निकाल के रिले का जो इनपुट में जो आर फेज में लगाना है, ये 440 में ऑपरेटिंग हो जाएगा।